सर एक सेकेंड, सर एक एक मिनट, थोड़ा इधर आइए सेंटर में सर। हाँ हाँ नहीं सर, सेंटर में, सेंटर में, बस 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 सर, बस बस। तो मतलब जैसे स्टार है ना, सेंटर में होना चाहिए आपको। चल ये बहुत अच्छा काम हुआ है, यानी याद रखना क्रीम दिखता है कम ऑन होता है, याद रखोगे? तो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स में हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और सेंट्रीपेटल फोर्स समझा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करना शुरू किए थे, है ना? देखो जरा क्या क्या किए थे। अभी एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कराया होगा? नहीं नहीं, स्ट्रिंग मतलब हाँ ये है कि दो मासेस लटके हुए हैं, नहीं लॉन्ग पे ये वाला बनाया था, ये वाला। उसके बाद फ्रिक्शन वाला भी कराया होगा? फ्रिक्शन करवाया, डिस्क वाला भी, वो नहीं करते हो सही सर? लास्ट गियर वाला, ये वाला, ये लास्ट गियर बोलते हैं, दो मास होते हैं। हां और फ्रिक्शन वाला करवाया ये डिस्क का? हां डिस्क की, ये डिस्क वाले से बोलाया। यहां यार तुम लोग जैसे करवाया, चलो एक सवाल उससे शुरू करते हैं बच्चों। ये सर फ्रिक्शन वाला भी कराया था पहले, ऊपर वाला क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला। एक हमारे पास रॉड है, एल शेप है, इस तरह की रॉड है और ए वाली लेंथ एल है। इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। इस रॉड में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा हुआ है, छोटा सा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड सिलेंडर इज u और इसे कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी for which cylinder does not slip down with respect to rod. कम से कम कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो बच्चों ये स्लिप ना करे, मतलब यहीं पे बना रहे, कभी फिसलेगा नहीं नीचे, इधर उधर तो जा नहीं सकता है, नीचे आ सकता है। अगर ये फिसलेगा नहीं तो डेफिनेटली एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, कितना बताओ कर रहा होगा। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तुम लोगों ने ट्राई किया लेकिन कुछ नालायक हैं जो नहीं कर पा रहे। और देखो हमने कहा था दो तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसके साथ रोटेट होके स्पेशल फोर्स कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के फ्रेम में जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो अरे हाँ मैं बताना भूल गया, इसके बाद मैथ्स की क्लास क्या हो सर ने कहा है बताना। नहीं है तो बेटा यहाँ पर अब बस बात नहीं, बात नहीं। और देखो यहाँ पर बेटा एक एम जी लगेगा नीचे की तरफ। एक बात बताओ,
और यदि फ्रिक्शन लगेगा तो सरफेस के अलॉन्ग लगेगा, एमजी की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगी। बट कई बच्चों को फील होगा कि सर बिना नॉर्मल रिएक्शन के एमजी कैसे आए। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में कराना है, सर्कुलर में सर्कल में मूव कराना है, तो सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए होता है, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो सुनो सुन तो लो, यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन बनेगा? एनर्जी तो ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा रॉड के अलोंग, भी ऐसे स्लिप करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऐसे ही लगेगा। अगर लगेगा तो कौन सा ऐसा रियल फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स बनने का उत्तरदायित्व लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई दूसरा बचता है? सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग सकता है? नॉर्मल रिएक्शन में लगेगा, यानी कि इस सिलेंडर पे अंदर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। अरे लगेगा कि नहीं? मतलब जब ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा होगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये सेंट्रीपेटल लगेगा, वेट के कारण बॉडी गिरना चाहेगी तो एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा जो इसको गिरने से या रॉड के रिलेटिव में स्लिप करने से रोके। अभी मैं विदाउट यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इसे काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सेंटर की तरफ लग रहा है, एंड इस ऑब्जेक्ट का बिकॉज ये सर्कल में मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर मतलब एल ओमेगा स्क्वायर होगी। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसकी वैल्यू एल इंटू ए यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। मैंने बताया था जो भी फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। या हम सीधे सीधे कह दें कि हमने रेडियली इनवर्ड न्यूटन्स लॉ लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप समझ गए यानी मास एम है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो हो सकती है एफ लिमिटिंग वो म्यू एन हो सकती। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है? जितना अधिक ओमेगा होगा उतना फ्रिक्शन अधिक लग सकता है, जितना कम ओमेगा होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। इसका मतलब कि अब हमसे कह रहे कि स्लिप ना करे रॉड के लिए। अब आपको समझ रहे हो क्यों स्लिप कर जाएगा? वेट अगर फ्रिक्शन की लिमिट से ज्यादा हो गया तो सिलेंडर नीचे स्लिप ही कर जाएगा, परंतु यदि एमजी की वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो सिलेंडर नीचे स्लिप नहीं करेगा, और अगर स्लिप नहीं करेगा उस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा और एमजी के ही बराबर लगेगा। बताओ भैया ऐसे ही तो है ना? अगर स्लिपिंग नहीं होती है तो हमने बताया था ना कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है और फिर पूरा पूरा लिमिटिंग नहीं लगता है, उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है, परंतु यदि स्लिप करना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा पूरा लगेगा। तो हम एक इनइक्वालिटी निकाल लेते हैं, हमें पता है कि स्लिपिंग ना करने के लिए mg की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बड़ा नहीं हो सकता है। तो less r equal to friction की limiting value से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो mg हमने कहा less than r equal to mu n और n की वैल्यू है ml omega square। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से डिवाइड कर देंगे, एम एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। फिर एल ओमेगा स्क्वायर इधर ले आएंगे नहीं, न्यू एल इधर ले आएंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो अंडर रूट जी बाई न्यू एल से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, यानी ओमेगा या तो इससे बड़ा हो या बराबर। तो मिनिमम ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी बाई न्यू। क्या बात समझ में आ गई बेटा? इसी क्वेश्चन को अब देखिए, यहाँ पर क्या है जनरली बच्चों, फ्यूगल फोर्स लगा के लोग लगना पसंद करते हैं, फील बेटर आती है उसमें फ्रिक्शन के सवालों में। लेकिन ये हमने यहाँ पर कहीं कोई सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं की है, हमने सीधा ये कहा है कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, क्योंकि यदि बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है
तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स तो मस्ट है जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एमजी और फ्रिक्शन हो नहीं सकते, नॉर्मली सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है। यस सर, बट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका कुछ रॉड पे तो मतलब लग रहा होगा ना, कुछ तो लगना चाहिए रॉड पे, लगेगा दोनों के बीच में लगेगा, पर हम तो फोर्स ऑब्जेक्ट के भी, ऑब्जेक्ट सिलेंडर पे लगने वाला फोर्स बना रहे ना, केवल सिलेंडर पे ऐसे लगेगा और रॉड पे ऐसे लग रहा होगा, एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। नॉर्मल कब लगता है, जब कॉन्टेक्ट और पुश कर रहे हो किसी को, जब रॉड मोशन कर रही होगी सिलेंडर की सरफेस को पुश कर रही होगी डेफिनेटली। तुम ये फील मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हारी भी तुम्हें बचाएंगे ये कोई धक्का मारे फिर नॉर्मल लगे। हाँ तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है भाई, धक्का ही तो मारा होगा रॉड ने, इसको पुश तो किया होगा कि रॉड को सर्कल में घुमाना चाह होगा समझ ना, इसलिए तो मुझे तो सोचा वहां से कोई फोर्स लेके आए, इसीलिए पैदा कोई ज्यादा फील अच्छी देता है रहने का देखो मैं, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल तो लगते ही नहीं। तो अब अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में बच्चों इस क्वेश्चन को करूँ, देखो ध्यान से देखो, तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहा हूँ, हमने अपने एक ऑब्जर्वर को सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दिया तो उसकी आंखें भी उसी ओमेगा से रोटेट हो रही हैं और वो बिल्कुल सिलेंडर की तरफ आंखें हैं, तो वो बिल्कुल सिलेंडर को देख रहा है और सिलेंडर उसको पाइप नजर आएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं तो इस ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगा देंगे हम बाहर की तरफ एम एल, एक एम जी लगा देंगे और एक फ्रिक्शन। अब आपको दिख रहा है कि स्यूडो फोर्स इधर की तरफ सिलेंडर को अगर खींचेगा तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, ऐसे 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 खींच रहा है, ये ऐसे पुश कर रहा है सर, है ना। अब इसमें फील थोड़ी बेटर आती है तो ये नॉर्मल इसके बराबर आती है, सॉरी ये नॉर्मल इसके बराबर है, तो एल इज इक्वल टू एम एल ओमेगा पर, और ये इससे छोटा होना चाहिए तो एम जी लेस आर इक्वल टू म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन है, कांसेप्ट वही है। बस नॉर्मल निकालने के लिए हमने बॉडी को इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा है, ये रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है तो फोर्स बैलेंस कर लिया है, वही जब हम ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कंडीशन भी है इक्वेशन भी में रोटेटिंग फ्रेम में एक हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे। बताओ बच्चों समझ गए? Yes, अच्छे से समझ गए ना। चलो अगला सवाल करते हैं, लिख लो जल्दी से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे
और इसको देखेगा तो ये सिस्टम उसको रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, तो डेफिनेटली एक सुडो फोर्स यूज करेगा, ठीक है। देखिए अगर इस पे देखा जाए तो इसमें जो सुडो फोर्स लगेगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, और इस पे जो सुडो फोर्स लगेगा वो 3mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा कि नहीं। अब आप ऐसे देखिए ना, इसको ये सब रुका हुआ दिख रहा है, अब ये रोटेटिंग नहीं नजर आ रहा, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, ये फ्रिक्शन लेस है यहां रफ, तो इस पे फोर्स पुली का सवाल हो गया ये नॉर्मल। अब यहां पर ये जो है ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को खींचना चाहेगा, फोर्स ज्यादा है, तो अगर इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन ना होता तो स्लिपिंग ऐसी होती, बताओ होती कि नहीं? ये वाला ब्लॉक नीचे वाला ऐसे स्लिप कर जाता है ऊपर वाले के रिलेटिव में, यानी इसकी टेंडेंसी इसके रिलेटिव में ऐसे स्लिप करने की होगी, तो इसकी सरफेस पर फ्रिक्शन ऐसे रखेगा, थोड़ा सा अंदर दिखा दिया फ्रिक्शन, तो उसका रिएक्शन जो है फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा। अब ये समझिए बेटा, बेटा जरा यहाँ जो नॉर्मल है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो इसी नॉर्मल की जरूरत है हमें। ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल जो इन दोनों के बीच में लगे, वो सिर्फ इस वाली बॉडी के वेट के बराबर होगा, एन इक्वल टू एम जी होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे इस बॉडी पे लगाए चाहे इस बॉडी पे लगाए, सरफेस पर यही है ना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी हो। कई बार बच्चे सोचते हैं सर एम पे लगाएंगे म्यू एम जी, थ्री पे थ्री म्यू एम जी, है ना, ये बच्चों वाली इसलिए मिस्टेक मत करना, म्यू एन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन between these two blocks at this surface is mg. अच्छा, अब आप समझो, इन्होंने कहा max omega क्या है? जितना ज़्यादा omega बढ़ाओगे इन दोनों forces का उतना difference बढ़ेगा और एक time पे एकदम slip कर जाएगा, एक दूसरे का relative ऐसे, यानी maximum omega की slipping ना हो, यानी हम just limiting state में, बस slip होने ही वाला है, ऐसी परिस्थिति में friction कैसा लगा देंगे, तो बस force balance का, तो मान लो tension की है इसमें, धागा टाइट है, और नीचे वाली बॉडी पे देखो, सिर्फ नीचे वाली बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, एक इधर लग रहा है फ्रिक्शन और टेंशन इधर लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं, तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एम जी इज इक्वल टू 3mr ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर वाली ब्लॉक पे देखो, ऊपर वाली ब्लॉक पे टेंशन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी तो इक्विलिब्रियम में स्लिपिंग चालू तो हुई नहीं है, तो t इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू एम जी, T की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 2 म्यू एम जी, ये दो इक्वेशन हमने बना ली, ये 2 म्यू एम जी आ जाएगा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर 3 एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा आ रहा है अंडर रूट म्यू जी डिवाइड बाय क्या है ना, नॉर्मल गलत दिया देखो शास्त्रों ने, वरना शास्त्र कर दिया। अच्छा सवाल है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अप्लाई करने को आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमने कहा था एलसी वर्मा आप लगा लो, पूरे की पूरी सर्कुलर मोशन और वर्क और एनर्जी का जो इनपुट चल रहा है वो भी लगा दो, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं एक्स्ट्रा शीट दे दूंगा। समझ आ गया आपने? थोड़े से अच्छे सवाल हैं आपके, सबको ये बोर्ड्स में तो स्कूल में एग्जाम में तो नहीं आएंगे मुश्किल है, पर जेई में क्वेश्चन आपके इस तरह के मिलेंगे। देखो फटाफट आगे बढ़ाएंगे, हो गया। अब डिस्कस बच्चों हम कर लेते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? किसी स्ट्रिंग से हम एक पार्टिकल को अटैच करके, एक स्ट्रिंग है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही, और इस पार्टिकल को हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं। तो जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमारा पार्टिकल कर रहा है बच्चों, तो ये जो स्ट्रिंग है ये कोन जनरेट कर रही है, जो स्ट्रिंग है ये कोन जनरेट कर रही है,
तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जो मोशन होता है, इसे मोशन ऑफ कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। हालांकि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो पार्टिकल का मोशन है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्सो। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। जिस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेडियस आर मान लेते हैं, और ये स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ एल मान लेते हैं। तो अगर आप देखो ये आर है, ये एल है और ये थीटा है, तो साइन थीटा एक रिलेशन पहले यहाँ लिख लेते हैं, वो आर डिवाइड बाय एल। इसका मतलब हम आर को एल साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। कभी कभी आपको आर गिवन होता है, कभी कभी एल गिवन होता है, तो रटने की कोई कोई जरूरत नहीं है, जैसा जब होगा वैसा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये लेंथ है, ये रेडियस। अब जैसे हम सबसे पहले इस पार्टिकल का मास एम है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ बिठाएंगे जो स्वयं भी ओमेगा से रोटेट करेगा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दोनों के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एफबीडी बनाती है। इसमें क्या क्या कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बच्चों एक टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड क्या है, तो किसी भी सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है 2 पाई आर डिस्टेंस होती है डिवाइड बाय बी, हैं, बी को आर ओमेगा लिख दिया था, फिर 2 पाई बाय ओमेगा का टाइम पीरियड याद करो, 2 पाई बाय ओमेगा पढ़ाया था ना, है ना, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई उल्टा हो जाता है, है ना, मतलब कट हो जाता है। तो टाइम पीरियड को स्मॉल टी से लिख दे रहे हैं क्योंकि टेंशन को कैपिटल टी से लिखेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और 1 बाय टाइम पीरियड क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f पता था, फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड है। तो सबसे पहले तो एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, दूसरी चीज टेंशन फोर्स पूछता है स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये पूछता है, और तीसरा आपसे थीटा बीटा भी निकलवा सकता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, क्या थीटा दे सकता है, कुछ नॉन होंगे कुछ अननोन होंगे, है ना। और सबसे पहले हम ग्राउंड के फ्रेम, देखो हम ग्राउंड के फ्रेम में जानबूझ के करते हैं कि आप तो आपकी सूडो फोर्स कमजोरी ना बन जाए, कि हर सवाल आप सेंट्रीफ्यूगल से ही कर रहे हो, आपको ग्राउंड के फ्रेम से भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस बॉडी पे ग्राउंड के फ्रेम में जब भी बच्चों हम एफबीडी बनाते हैं तो हम सारे रियल फोर्सेस ही दिखाते हैं, वास्तविक फोर्स जो वाकई में बॉडी पे लग रहे हैं, कोई भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सूडो फोर्स हम नहीं बनाते। तो दो ही फोर्स लग रहे हैं मेरे हिसाब से, एक एमजी लग रहा होगा, बताओ बेटा, और एक स्ट्रिंग्स के कारण टेंशन फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं, ये दो ही फोर्स लग रहे होंगे, ये ध्यान दो यार, शॉर्ट तो ध्यान दो जरा हमको, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा इसका, ठीक। yes, तो इस टेंशन के मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, बताओ ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसी वेक्टर के द्विभाषी अभी तुमने पढ़ाया, लेकिन दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, अगर कोई वेक्टर ए हो तो दो कंपोनेंट कर सकते हैं, द्विभाषी याद है ना, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन, ठीक। इसलिए हमने कहा था कि वेक्टर पहले रिवाइज करो, कवर करो, कि वेक्टर बहुत यूज होता है एंगल में। अब आप एक बात बताओ बच्चों, ये पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या पार्टिकल में कोई वर्टिकल मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अरे हाँ ना, कुछ बोलो, वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। yes, अरे है कि नहीं? नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। अरे होना चाहिए, यानी पी कॉस थीटा एम जी बराबर होने चाहिए, बैलेंस होंगे तभी तो उसका तुम कहां छुपी हो, बताओ, पी कॉस थीटा एम जी बराबर होने चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये ऐसे मोशन कर रहा है पार्टिकल, जब ऐसे मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो वर्टिकली कोई मोशन ही नहीं हो रहा, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन,
हुसैन हाँ ठीक, तो यहाँ बोलना पड़ेगा मुस्कान, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ना बोलने की आदत बहुत खराब है। तो मास्क लगा के तुम लोग दिखाई नहीं पड़ता कि लेट क्या कर रहे हो, दूर दूर बैठा करो, लेकिन थोड़ा सा जब कुछ पूछा जाए तो मास्क हटा के बात कर सकते हो। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये तो अभी तो बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है नहीं, तो बताओ टी कॉस थीटा यहाँ कर क्या रहा है। टी साइन थीटा जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यस या नो? यस सर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स बच्चों प्रोवाइड कर रहा है टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू मास इनटू सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, या आर ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, बताओ यही तो होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स, टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अरे करा रहा है। यस सर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करूं, ये है हमारा एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू, किसके किया है हमने ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, इसलिए हमने कोई सूडो फोर्स यूज नहीं किया है, लेकिन यदि हम विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम सॉल्व करें, इक्वेशन वही बने, ये दो इक्वेशन बहुत मेन है, इन्हीं से सारी कैलकुलेशन होंगे, अभी हम दिखाएंगे कैलकुलेशन करके, पहले हम आपको रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेक करा दें। देखिए जब आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर पार्टिकल को देख रहे हैं बच्चा, मान लीजिए ये हां हमारा ऑब्जर्वर है, सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो वो एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, एम आर ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्क्वायर, बट हमने सेम ओमेगा से लिया है ऑब्जर्वर को, ये टेंशन लग रहा है बेटा, ये mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये यहां पर भी t sin थीटा और ये भी t cos थीटा, इस टेंशन के दो कंपोनेंट हमने यहां पे भी कर दिए। यस। अब इस ऑब्जर्वर को चूंकि पार्टिकल टाइम पे नजर आ रहा है, yes, तो ये कहेगा कि फोर्स बैलेंस है, बिल्कुल, तो t cos थीटा बैलेंस है mg से और t sin थीटा बैलेंस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तभी लगाते हैं जब ऑब्जर्वर कैसा हो रोटेटिंग, लेकिन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिक्र नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज अप्लाइड ओनली व्हेन आवर ऑब्जर्वर इज ए रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल कई प्रकार से हो सकता है, बट रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। तो आप ये देखो कि आप चाहे ग्राउंड के फ्रेम से समझो क्वेश्चन को, चाहे उसके फ्रेम में सॉल्व करो, आंसर तो सही आएगा, और सही आंसर लाने के लिए ही तो स्यूडो फोर्स का प्रयोग करते हैं। yes, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर स्यूडो नहीं लगाते हैं तो आंसर गलत हो जाता, तभी तो कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रिलेटिविटी का इस ऑब्जर्वर के लिए है। yes, तो आप आओ इन इक्वेशन का पोस्टमार्टम करके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। सबसे पहले आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं टू में पहली को, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, और ऊपर रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे रहेगा एम जी, एम से एम कट जाएगा, आर को लिख के दे रहे हैं एल साइन थीटा, देखो उधर देखो आर क्या है, एल साइन थीटा है कि नहीं, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी रहेगा। अब देखो ये साइन से ये साइन कट जाएगा ना, जी इधर जाएगा और या जी हाँ तो जी इस तरफ जाएगा, ये जी ऊपर चला जाएगा और साइन से साइन कट गया है, एल नीचे आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा ना, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट जी बाई एल, ये ओमेगा की वैल्यू आ रही है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, ये बच्चों टाइम पीरियड है, जो याद ही रखना है आपको फॉर्मूला, और कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम एल कॉस थीटा, याद रखिएगा एल ये वाली लेंथ है
और थीटा ये है, तो देखो एल कॉस थीटा ये वाली लेंथ है। कई बार क्या है ना, थीटा नहीं बताएगा तुमसे, तो भाई ये वाली लेंथ बता देगा, ये वाली जो मोटी मोटी हमने दिखाई है, बस समझ रहे हो, यही है। अरे है कि नहीं? यस सर। तो अगर आपको एल दे दे, थीटा दे दे, तो भी आप टेन मिनट लिख सकते हो। अगर आपको सीधे सीधे परपेंडिकुलर वाली लेंथ बता दे, कोण की हाइट बता दे, तो वही कोण की हाइट तो है एच पाई जी, और टू पाई अंडर रूट एच पाई जी भी लिख सकते हो। एच इज द हाइट ऑफ दिस कोण, हाइट ऑफ दिस कोण। बस समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। दूसरा देखो, कभी कभी अगर हमें टेंशन पूछा है तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ऐड कर दूं, तो ये टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एम जी का स्क्वायर है, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अरे है कि नहीं? टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? बात होता है, तो टी स्क्वायर बचेगा बाद में जी, आप लिख सकते हो अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का, लिख सकते हो। तो अगर आपको आर गिवन है, ओमेगा गिवन है, मास गिवन है, तो टेंशन निकालने के लिए आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। इन दोनों, यही दो इक्वेशन मेन है, आगे का तो सब कैलकुलेशन कैलकुलेशन। ये दो इक्वेशन आपको बना पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रोटेटिंग फ्रेम में बनाए। अच्छा, कभी कभी तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप टेंशन। देखो, अगर आप देखोगे दूसरी वाली इक्वेशन जो तुमने बनाई है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बनाई है ना, तो आर को अगर हम एल साइन थीटा लिख दें, तो साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एल ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो अगर आपको लेंथ दी जाए स्ट्रिंग की, आर नहीं दिया जाए और ओमेगा दिया जाए, तो टेंशन सिर्फ इसी क्वेश्चन से टेंशन आ जाएगा, ओनली यूजिंग दिस इक्वेशन। बस समझ रहे ना? तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देखिए फटाफट, देखो अगर हम कॉनिकल पेंडुलम कभी कभी किसी एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के अंदर हम कॉनिकल पेंडुलम करते हैं मोशन, मान लो ये हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट के अंदर, है ना, जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठा है इसको कॉनिकल पेंडुलम इसका मोशन दिखाएगा। इसको जो इस पार्टिकल का पोजीशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा, बट इस ऑब्जर्वर के पास भी एक्सेलरेशन होगा, तो ये ऑलरेडी नॉन इनर्शियल है, एक एमए वाला स्यूडो फोर्स लगाएगा। यस सर। तो अगर हम देखें तो क्या चेंजेस आएंगे, हालांकि तो हम तो इसको याद दिला करा देंगे आपको भी। तो अगर आप देखोगे तो mg लगेगा और एक इसे नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, तो m के mg के स्थान पर आ जाएगा mg plus a। तो जहां जहां mg था वहां वहां mg plus a आ जाएगा, तो g plus a को हम g effective याद कर लेते हैं, कि जहां जहां g देख रहे हैं हम कैलकुलेशन में वहां पे वहां वहां g plus a लिख दो, भी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएंगे अगर आप देखो, तो ये t sin theta रहेगा, ये t cos theta रहेगा, तो t sin theta centripetal force provide करेगा, क्योंकि इसको circular motion तो अभी भी दिख रहा है। yes, तो t sin theta जो होगा वो mr ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा इस वाले को, है ना, इस डायरेक्शन में एनालाइज कर लेगा, और v cos theta इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg, क्या सारी से वही सेम इक्वेशन बन जाएंगे दोनों। यस सर। बस g के स्थान पर क्या हो गया है, g का पूरा भी बढ़ाएंगे आपको, अब सीरियसली कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट l cos theta का था अपॉन g था, g के स्थान पर क्या हो जाएगा g का स्क्वायर। जैसे यहां टेंशन आपने कल है, तो इनको होल स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो टेंशन अरे आ जाएगा। अच्छा बताओ, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड हो तो g माइनस, तो सीधा ऊपर लगेगा तो g माइनस हो जाएगा, g इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस हो जाएगा। तो छोटे मोटे वेरिएशंस हैं जिनको आप समझ सकते हो।
एक थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, कभी कभी क्वांटम पेंडुलम और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को थोड़ा सा मिक्स करके अच्छा सवाल बनता है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके छोटे से फ्रिक्शनलेस पुली से होते हुआ ये ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ग्रेविटी डाउनवर्ड है जी मान लीजिए, और इसकी रेडियस आर गिवन है बच्चों, आर गिवन है और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है जिस एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो चूंकि वही धागा इससे बंधा हुआ है बॉडी से जो डेफिनेटली इस पर टेंशन अप्लाई करेगा, जो इस ब्लॉक को स्लिपिंग कराने की कोशिश करेगा, तो बट हमें कह रहा है स्लिपिंग नहीं होनी है, तो कम से कम कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये स्लिप ना करे, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे कॉनिकल पेंडुलम का थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने मिक्स किया है। तो सबसे पहले कॉनिकल पेंडुलम की इक्वेशन यूज करके आप टेंशन निकाल दो, फिर वो टेंशन ही ब्लॉक को मूव कराए। ठीक है, ट्राई करो आयुष। तो सबने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, कुछ लोगों ने आंसर तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम समझे इस बात को कि जिस स्प्रिंग से कनेक्टेड है दोनों, अगर इस स्प्रिंग में टेंशन टी है तो यहां पर भी टेंशन टी है, आप देख रहे हो ऐसे टेंशन टी लग रहा है, तो ये टेंशन इस ब्लॉक को आगे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन रोकेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कुल मिलाकर अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछे, कम से कम म्यू कितना, तो हमें पता है कि भाई टेंशन जो है वो एफ की लिमिटिंग वैल्यू, एफ एस की लिमिटिंग वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अगर टेंशन अधिक हो गया फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से तो स्लिप कर जाएगा, स्लिप ना करने के लिए इस ब्लॉक पे लगने वाला एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स, इस पे लगने वाले फ्रिक्शन की लिमिट मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा तभी मूवमेंट है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, पर हमें टेंशन भी तो पता चलना चाहिए। अब टेंशन कैसे जानकारी लेंगे, तो वही स्प्रिंग हमारा कॉनिकल पेंडुलम से जुड़ा हुआ है, करके एंगल थीटा मान लेंगे, अभी आपको बताया तो आप इक्वेशन भी कॉपी पे लिखे हो, तो मैं बिना एफबीडी बनाए इक्वेशन लिख दूं। तो P cos theta क्या था बेटा, mg, और P sin theta क्या था, m r omega square। तो m r omega square की वैल्यू है g by 2 r, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो P sin theta हो गया mg by 2, है ना, होल स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देंगे तो T square आ जाएगा, m g square, m square g square प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, 5/4 एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और टी आ रहा है अंडर रूट कि अंदर पूरा 5/4 और बाहर एम जी आएगा। तो वही इतना टेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया और यही टेंशन इस ब्लॉक को पुल कर रहा है और फ्रिक्शन बचाएगा, तो ये जो टेंशन है मतलब अंडर रूट 5 और बाहर 2 ले लेते हैं एम इंटू जी, ये छोटा होना चाहिए, टेंशन छोटा होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और यहाँ का जो नॉर्मल है वो वेव टू एम जी के बराबर होगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग होता है म्यू एम, तो म्यू एस इनटू टू एम जी।
तो अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा, नीचे 4 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू निवेश। तो निवेश ग्रेटर आर इक्वल टू रूट 5 बाई 4, ग्रेटर देन और कम से कम रूट 5 बाई 4 होना चाहिए, इतना या इतने से बड़ा तो कम से कम रूट 5 बाई 4 होना चाहिए। बताएंगे है, देखिए तो बिल्कुल हल्के हल्के कॉन्सेप्ट मिक्स किए, कोनिकल पेंडुलम आपको पता है ना, कोनिकल पेंडुलम आपको पता है। हेलो हाँ लेकर आ जाओ 11:30 से, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो क्या, कर लेना लिंक भेज देंगे। ये केमिस्ट्री के जड़ी बूटी पी ले, ये फिजिक्स केमिस्ट्री अंदर चली, ऐसा थोड़े ना तथास्तु कह दिया जैसे सीरियलों में देखते हो। आ जाओ बेटा श्लोक आ जाओ। तो ये किरणें यहाँ से निकली, ऐसे तुमने कहा अंदर किरणें नहीं फिजिक्स 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 समा गए, वो सब हाई टेक्नोलॉजी होती है जो सीरियल पर लिखा रहते, कुछ भी हाई टेक्नोलॉजी थी यहाँ पे नहीं, ध्यान रखिए। ऐसी टर्निंग ऑफ रोड्स समझ लेते हैं कैसे करते हैं। कौन सा टर्निंग? सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। सबसे पहला केस है इसमें यूजिंग फ्रिक्शन ओनली, हॉरिजॉन्टल रोड्स। जैसे आप अगर अपने भारत की बात करो तो जब से ये नेशनल हाईवे बनना शुरू हुए हैं तब से बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब पहले इंडिया में जो जीटी रोड्स वगैरह आप देखो तो सब हॉरिजॉन्टल रोड हुआ करती थी, मुड़ रहे वो फिर भी हॉरिजॉन्टल। अभी क्या है नेशनल हाईवे जो बन गई है जहाँ पर मोड़ होती है वहां पर देखो बाहर वाली साइड से उठा देते हैं, इसे बैंकिंग कहते हैं, रोड को झुका देना, यानी इंक्लाइन बैंक की तरह इंक्लिनेशन दे देना। तो इस फिनोमेना को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। इसकी बैंकिंग की मदद से हम दो मेन चीजें करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शन का उपयोग कम होता है मुड़ते वक्त, और एक हम हाई स्पीड में मुड़ सकते हैं, हम जल्दी में हम ब्रेक नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बिना स्पीड को घटाए मोड़ से मुड़ सकते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड है तो तुम्हें मुड़ते वक्त रफ्तार कम करनी पड़ेगी, नहीं तो पलटने और फिसलने दोनों का खतरा होगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रोड्स पे चर्चा करेंगे कि पहले समय में जो आज से 100-200 साल पहले जो रोड्स हम 50 साल पहले जो रोड्स होती थी हॉरिजॉन्टल रोड्स होती थी, और उनमें अगर टर्निंग करेंगे तो स्पीड लिमिट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। और सिर्फ स्लिपिंग पे फोकस करेंगे, ओवर टर्निंग वाले जो क्वेश्चन है वो हम रोटेशनल डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कि गाड़ी पलट कब जाती है मुड़ते वक्त। तो पलटा ही नहीं अभी इस चैप्टर में, अभी सिर्फ फिसलाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों हमने कहा यूजिंग फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड्स दो कॉन्सेप्ट हैं हम लोग। पहले हॉरिजॉन्टल रोड है, देयर इज नो बैंकिंग बच्चों, और हॉरिजॉन्टल रोड में ही गोल गोल गाड़ी को घुमाना है, रोड मोड़ना है। मोड़ पे मान लेते हैं जिस मोड़ पे हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं वो रोड हॉरिजॉन्टल है, नंबर एक। नंबर दो वो जो है रोड सर्कुलर है, हालांकि अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर हो सकती, जरूरी नहीं सर्कुलर हो, पर हम सर्कुलर कर्वेचर मान करके कहानी को समझेंगे। तो अगर हम आपको कहें कि चलो ये आपकी गाड़ी है, और ये एक रोड पे ऐसे मुड़ रही है, ये आप बैक व्यू देख रहे हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका ये, अरे भाई सुंदर, ये अंदर वाले टायर है, इसके आगे टायर है, ये बाहर वाले टायर है, समझ रहे ना, पीछे से देख रहे हैं तो दो ही टायर नजर आएंगे, चारों पर नजर आएंगे, बिल्कुल डाउनवर्ड है। तो एक इस पे एमजी लग रहा होगा, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर। तो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, आप समझ रहे हैं ना,
तो अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड है तो आप अगर ये देखें कि ये mg लगेगा कि ओवरऑल दोनों सब मिला करके ओवरऑल नॉर्मल n लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल रोड है तो n की वैल्यू तो सीधे सीधे mg के बराबर। यस। अब अगर मैं इसके खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाऊं या जिस एक ऑब्जर्वर ले लो जो कार की ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा हो, ठीक है, जिसे ये स्टेशनरी नजर आएगा, तो अगर ग्राउंड के फ्रेम से बात करोगे तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। ग्राउंड के फ्रेम से अगर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, और जब गाड़ी मुड़ती है तो मुड़ने के लिए सर्कुलर मोशन में रहने के लिए उसे जो सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है वो फ्रिक्शन पूरी करता है। कौन पूरी करता है? फ्रिक्शन, है ना। और लेकिन अगर हम बेटर हो, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग ले लेंगे, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाय आर। तो हम यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दे रहे हैं एम बी स्क्वायर बाय आर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, विच इज रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जो भी बॉडी की है। तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी स्टेशनरी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसको ठीक सामने दिखेगी उसकी ओमेगा से, वो भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसको सामने नजर आएगी हमें से, पर इस ऑब्जर्वर को इसकी पोजिशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर mv स्क्वायर बाय r की बात कर रहे हैं बच्चों, mv स्क्वायर बाय r की बात कर रहे हैं, तो ये स्यूडो फोर्स लगा दिया फिक्स, तो स्यूडो फोर्स ये लगाए थोड़ा फील अच्छी आ जाए। तो अब हम कह सकते हैं कि जब गाड़ी मुड़ रही है नॉर्मल mg, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा स्लिपिंग की, और अगर फ्रिक्शन से छोटा रह गया तो स्लिप नहीं करेगा, नहीं तो ये बाहर की तरफ गाड़ी फिसल जाएगी। तो फॉर नो स्लिपिंग, अगर हम देखें फॉर नो स्लिपिंग, कब तक स्लिपिंग नहीं होगी, तो नो स्लिपिंग के लिए mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो होनी चाहिए कि नहीं? Yes, तो यहां से हम कह रहे हैं कि mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू नॉर्मल यहां पर mg के बराबर है, तो यहां से v की वैल्यू लेस r इक्वल टू म्यू जी r, ये हमारा कंडीशन है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या रख सकते हैं बच्चों? अंडर रूट। मान लो तुमसे कहें कि बताओ एक कार वाला r रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रोड है जिस पे मुड़ना है उसको, गोल सर्कुलर रोड है, और उसको टर्न करना है, और ऐसी रोड पे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसके टायर रोड के बीच में म्यू है, तो बताओ मैक्सिमम कितनी स्पीड से मुड़ा सकता है गाड़ी को कि फिसलेगा? तो आंसर है अंडर रूट म्यू r। लेस r इक्वल टू इतना या इससे छोटा, तो ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। अरे बताओ कि yes, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है इसको, देखो इसको होल स्क्वायर करके हम अगर देखो, अगर g को इधर ले आए तो v स्क्वायर डिवाइड बाय rg से बड़ा होना चाहिए। हां yes, कह देगा कि एक गाड़ी वाला v रफ्तार से आ रहा है। इक्वेशन यही याद रखो, कि ये वाली इक्वेशन याद रखो, तो v दे करके म्यू पूछ लेगा, म्यू लेके v पूछ लेगा, कहेगा एक गाड़ी वाला बीस रफ्तार से आ रहा, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर में मोशन है, तो वो फिसले ना, तो म्यू कम से कम कितना होना चाहिए, क्योंकि म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू बाय, तो अगर बी दिया होगा तो म्यू मिनिमम पूछ लेगा, आंसर होगा बीस पर गया, म्यू दिया होगा तो बी मैक्सिमम पूछेगा कि ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा कितनी रफ्तार से मुड़ सकता है। बात समझ में आ रही? यदि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन एम बी स्क्वायर बाई आर के ही बराबर लगेगा, क्योंकि उतनी फ्रिक्शन लगेगा जितनी की जरूरत, मान लो जितनी रफ्तार से वो चल सकता है उतने से नहीं चलना, धीरे धीरे चलना है, हल्के हल्के डरपोक, तो 20 की रफ्तार से अगर चल रहा है तो उस केस में Fs की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू mv स्क्वायर बाय r के ही बराबर। बस समझ रहे? तो अगर नहीं, इफ देयर इज नो स्लिपिंग, इफ देयर इज नो स्लिपिंग, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगेगा, और कोई कंफ्यूजन ना हो mv स्क्वायर बाय r के ही बराबर लगेगा। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बचा है, वो जितनी साढ़े ग्यारह से दूसरी क्लास है 15 मिनट का ब्रेक नंबर है, तो उसको वर्क और एनर्जी क्लास में ही 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।